आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष राय और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने IBS चैनल पे। आज हम 13th मई 2020 के टॉप करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपके आने वाली सारी एग्जाम्स में। साथ ही साथ आज का लेक्चर हम अब से हिंदी में भी करेंगे, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। आप मुझे सोशल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं, ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, ये रही मेरी फेसबुक की आईडी। इन दोनों आईडी पे मैं डेली करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स अपलोड करता हूँ, जो आपको बहुत मदद करेंगी आपकी सारे एग्जाम में। साथ ही साथ आज के लेक्चर की PDF आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप जाके इस चैनल को ज्वाइन करें और वहां से इस लेक्चर के PDF को आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के थॉट ऑफ द डे से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलना लोगों के लिए सपना हो जाए। आपको देखिए अपनी मेहनत, अपने पे भरोसा हमेशा करना है और अपने सपनों के पीछे हमेशा भागते रहना है। आपको दिन रात काम करना है, दिन रात मेहनत करनी है, कभी भी गिव अप नहीं करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो मेक श्योर आप अपने सपनों के पीछे हमेशा भागें, कि इतना मेहनत करें कि आपको जो आज बोल रहा है कल आपसे मिलने के लिए उसको सपना हो, एक सपना हो कि आपसे वो मिल सके। तो इतने बेहतरीन थॉट ऑफ द डे से हम आज के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखिए कंट्री, यानी ये कंट्री का पहला FIR आपके द्वार योजना किसने, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? क्लियर? तो देश का पहला FIR आपके द्वार योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर 4th मध्य प्रदेश ने। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश ने। अब देख लेते हैं, देखिए रिसेंटली मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी स्कीम शुरुआत की है या योजनाएं चालू की हैं, तो हम देख लेते हैं। देखिए पहली योजना जो चालू की है उसका नाम है जीवन अमृत योजना। ठीक है, जीवन अमृत योजना। ठीक है, अब देखिए दूसरा योजना जो शुरुआत हुई है उसका नाम देख लीजिए आप, जीवन शक्ति योजना। क्लियर है? एंड थर्ड कौन सा स्टार्ट किया है उन्होंने, योद्धा कल्याण योजना। ठीक है, एंड फोर्थ कौन सा स्टार्ट किया है उन्होंने रिसेंटली, संजीवनी विकल्प। ठीक है, संजीवनी विकल्प उन्होंने स्टार्ट किया है। तो रिसेंटली जितनी भी योजनाएं स्टार्ट की है मध्य प्रदेश सरकार ने, मैंने सब कुछ लिख दिया है, तो मेक श्योर आप इसको नोट डाउन करें तो आपको हेल्प मिलेगी आपके सारे एग्जाम्स में। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी का पद किसे मिला है? क्लियर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी का पद किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर 2nd इंदु शेखर चतुर्वेदी को। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2nd इंदु शेखर चतुर्वेदी को। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, क्लियर, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने एक भरोसा हेल्पलाइन कौन सी यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया है? क्लियर, तो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी ने भरोसा हेल्पलाइन कौन सी यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर 2nd सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2nd सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। अब देखिए रिसेंटली HRD मिनिस्ट्री ने कौन सा कैंपेन और कौन से ऐप और पोर्टल लॉन्च किए हैं, तो सारी चीजें आप देख लीजिए। तो देखिए जैसे HRD मिनिस्ट्री ने एक समाधान कैंपेन लॉन्च किया है। क्लियर, साथ ही साथ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्या स्टार्ट किया है, भारत पढ़े ऑनलाइन। तीसरा क्या शुरुआत हुआ है, युक्ति पोर्टल। एंड लास्ट 4th आई गॉट पोर्टल। तो रिसेंटली जितने भी पोर्टल और कैंपेन HRD मिनिस्ट्री ने चालू किया है या स्टार्ट किया है, मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है, तो मेक श्योर आप सब नोट डाउन करें सारी चीजों को। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए डच वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे मिला है?
डच वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड किसे मिला है? तो ऑप्शन नंबर 4 सिद्धार्थ वर्द राजन को। किसे मिला है? सिद्धार्थ वर्द राजन को। क्लियर है? चलिए फिफ्थ नंबर पे आते हैं। देखिए कौन सी इंस्टीट्यूशन ने एक नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर जिसका नाम क्या है BIPAP ठीक है डेवलप किया है टू ट्रीट द COVID-19 पेशेंट। क्लियर है? तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने एक नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर जिसका नाम क्या है BIPAP ठीक है उसे डेवलप किया है टू ट्रीट COVID-19 पेशेंट? तो ऑप्शन नंबर 3 CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु। क्लियर है? किसने डेवलप किया है? CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है किस राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए दूरदर्शन के साथ सहयोग किया है? तो कौन से राज्य के शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन के साथ ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्कूल चिल्ड्रन के लिए स्टार्ट किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 झारखंड ने। क्लियर है? झारखंड ने शुरुआत किया है किसके साथ? दूरदर्शन के साथ। किसके लिए? ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए द एयरपोर्ट ऑफ विच सिटी हैज बीन वोटेड एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया? किस शहर के हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डों के रूप में चुना गया है? तो कौन से हवाई अड्डे को या एयरपोर्ट को? ऑप्शन नंबर 1 बेंगलुरु को। क्लियर? अब बेंगलुरु के हवाई अड्डा या एयरपोर्ट का क्या नाम है? लिख लीजिए नाम खेम्पो गौडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए बेंगलुरु सिटी ने रिसेंटली एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उस प्रोग्राम का क्या नाम था? प्राणवायु प्रोग्राम। ठीक है प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया था कौन सी सिटी ने? बेंगलुरु सिटी ने। चलिए अब आपने देखे रिसेंटली एक चंडीगढ़ सिटी ने भी एक COVID-19 के लिए एक ऐप लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका? CHD कोविड। ठीक है CHD कोविड किसने लॉन्च किया था? चंडीगढ़ सिटी ने। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 50 ग्लोबल बी स्कूल इन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन इन द फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन 2020 रैंकिंग? तो कौन सी इंस्टीट्यूट को टॉप 50 बी स्कूल में जगह मिली है किसके द्वारा? बाय अ फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन 2020 की रैंकिंग के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 2 IIM बेंगलुरु। क्लियर है? IIM बेंगलुरु को टॉप 50 बी स्कूल, ठीक है, टॉप 50 बी स्कूल में जगह मिली है इन द फाइनेंशियल टाइम्स एग्जीक्यूटिव एजुकेशन 2020 की रैंकिंग में। ठीक है चलिए 9 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए तमिलनाडु के कौन से उत्पाद या प्रोडक्ट को रिसेंटली GI टैग से सम्मानित किया गया है? ठीक है जो अब GI का फुल फॉर्म क्या होता है एक बार आप देख लीजिए। GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है GI का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो तमिलनाडु की कौन से प्रोडक्ट को सम्मानित किया गया है GI टैग से? तो ऑप्शन नंबर 4 तंजावुर नेटी वर्क्स को। क्लियर है? तंजावुर नेटी वर्क्स को। अब देखिए रिसेंटली कौन से प्रोडक्ट्स को GI टैग से सम्मानित किया गया है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए मणिपुर के ब्लैक राइस को मिला है। ठीक है मणिपुर के ब्लैक राइस को मिला है। साथ ही साथ देखिए सेकंड नंबर पर किसको मिला है? गोरखपुर के टेरी कोटा को। ठीक है अब गोरखपुर कहां पे? आपका उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ थर्ड नंबर पे देख लेते हैं किसको मिला है। देखिए थर्ड नंबर पे सैफ्रॉन जो कि कश्मीर से, यानी सैफ्रॉन मतलब केसर,
कहां से? कश्मीर से, उसको जीआई टैग मिला है। एंड फोर्थ नंबर देख लेते हैं किस कहां किसको मिला है। देखिए कोविल पट्टी, देखिए कोविल पट्टी कडलाई मिठाई, ये भी कहां की है? तमिलनाडु की। ठीक है, ये भी कहां की है? तमिलनाडु की। तो रिसेंटली जितने भी जीआई टैग से सम्मानित चीजों को या प्रोडक्ट्स को रिसेंटली जीआई टैग्स मिले हैं, तो मैंने सारी चीजें आपको लिख के लिख दी हैं, तो मेक श्योर आप इसको लिख लें और अच्छे से याद रख लें। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए द सेंटर हैज रिलीज्ड डैश करोड़ टू 14 स्टेट्स टू फाइट द कोरोना वायरस क्राइसिस पेंडेमिक। देखिए सेंटर ने यानी हमारी केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस क्राइसिस पेंडेमिक के लिए 14 स्टेट्स को कितने करोड़ रुपए का फंड रिलीज किया है? तो ऑप्शन नंबर 4, 6195 करोड़ रुपीस। ठीक है, 6195 करोड़ रुपीस किसने रिलीज किया है? हमारी केंद्र सरकार ने किसको दिया है? टू 14 स्टेट्स यानी 14 राज्यों को दिया है जो उनको कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ने में मदद करेगा। ठीक है, साथ ही साथ देखिए कोरोना वायरस से एक केंद्र सरकार ने एक इमरजेंसी पैकेज रिलीज किया था, कितने रुपए का? 15,000 करोड़ का। क्लियर है, 15,000 करोड़ का। चलिए 11 नंबर पे आते हैं, 11 नंबर पे आते हैं। देखिए भारत का पहला फेड कप हार्ट अवार्ड किसने जीता? ठीक है, भारत का पहला फेड कप हार्ट अवार्ड किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सानिया मिर्जा ने। क्लियर, ऑप्शन नंबर सेकंड सानिया मिर्जा ने। अब देखिए पीवी सिंधु को रिसेंटली आई इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन ने, ठीक है, एक आई एम बैडमिंटन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आई एम बैडमिंटन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु को। चलिए 12 नंबर पे आते हैं अपने। देखिए किस पैरा ओलंपियन ने हाल ही में भारत के पैरालंपिक समिति के प्रमुख से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो कौन से पैरा ओलंपियन ने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट रिलीज अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है टू द हेड इंडियन पैरालंपिक कमिटी? ठीक है, तो किसने अपनी अनाउंस किया है रिटायरमेंट? ऑप्शन नंबर दीपा मलिक ने। क्लियर, दीपा मलिक ने क्या रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि वो इंडिया की पैरालंपिक कमिटी की जो हेड है उससे वो इस्तीफा देंगी। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं अपने। देखिए न्यू दिल्ली बेस्ड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसे क्या बोलते हैं नगमा शॉर्ट फॉर्म में, हैज लॉन्च अ वर्चुअल प्रोग्राम कॉल्ड, ठीक है, तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जिसको आप नगमा, कहां पर स्थित है ये? दिल्ली में। उन्होंने अपना एक वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया, तो उस वर्चुअल प्रोग्राम का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट नगमा के संग्रह से। क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नगमा के संग्रह से। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए देश का पहला राज्य का नाम बताएं जो राज्य के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधाएं प्रदान करेगा, तो कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ उत्तर प्रदेश। क्लियर, ऑप्शन नंबर फोर उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली अपने जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको राहत देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम क्या था? देख लीजिए, प्रवासी राहत ऐप। ठीक है, प्रवासी राहत ऐप। अब चलिए 15 नंबर पे आते हैं। देखिए इंटरनेशनल नर्स डे हर साल हम 12 मई को मनाते हैं, तो उसकी थीम क्या है? क्लियर है, तो इंटरनेशनल नर्स डे हर साल हम 12 मई को मनाते हैं, उसकी थीम क्या है या विषय क्या है उसका? तो ऑप्शन नंबर थर्ड अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्लियर है, A voice to lead nursing the world to
हेल्थ, ठीक है। चलिए देखिए, आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आज के लेक्चर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की करंट अफेयर्स की वीडियो और भी न्यूज पोर्टल की वीडियो हम आपके लेकर आते रहें। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।